सहारनपुर में नगर निगम ने शुक्रवार की सुबह अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगर आयुक्त के निर्देश पर दर्जनों दुकानदारों द्वारा सड़कों पर रखे गए सामान को जब्त करते हुए सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। कबाड़ियों द्वारा फुटपाथ व सड़कों पर फैलाकर रखी गई लकड़ी और लोहे के सामान के अलावा अवैध रूप से रखे गए खोखे और डेयरी वालों की बुगियाँ भी जब्त कर ली गई। पिछले 3 साल में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की है सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के प्रांतीय अध्यक्ष रामलाल यादव प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को सहारनपुर में पहुंचे, जहां पर देहरादून चौक स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय पर पहुंचने पर उनका सैकड़ों कर्मचारियों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद आयोजित मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर गहनता से चर्चा की गई। सहारनपुर के पेपर मिल रोड पर पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यालय का उद्घाटन पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने सुशील गुज्जर को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपते हुए नियुक्ति पत्र भी दिया। उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण किया जाए, जिसके लिए बराबर पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा संघर्ष कर रहा है। इसी कड़ी में आज पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के हम लोगों ने जो है सुशील गुज्जर धारकी को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है, और सुशील गुज्जर धारकी से आशा है कि निश्चित रूप से अब ये अलग राज्य की लड़ाई को बहुत तेज करेंगे और इस संघर्ष को आगे लेकर चलेंगे। तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा बराबर पृथक राज्य का निर्माण कराने के लिए जोरदार तरीके से संघर्ष कर रहा है। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा जहां अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे मजदूरों के इशू हों, चाहे छात्रों के इशू हों, चाहे शिक्षकों के इशू हों, उन सारे मुद्दों पर भी पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा लड़ाई लड़ने का काम करेगा, और जब तक अलग राज्य का निर्माण नहीं होगा तब तक पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का यह संघर्ष जारी रहेगा। सहारनपुर के चिलकाना रोड स्थित श्री हरि दर्शन मंदिर के द्वारा मंदिर पर शिव परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, मंदिर के पुजारी राकेश देव एवं आचार्य नव भारत व अनेक विद्वान आचार्यों के सानिध्य में पूजा अर्चना एवं मंत्रोच्चारण के साथ बड़ी श्रद्धापूर्वक कराया जा रहा है। इस दौरान अध्यक्ष भीमसेन नारंग ने बताया कि कल हवन यज्ञ के पश्चात शोभा यात्रा का आयोजन होगा, जो कि शनिवार की सुबह हरि दर्शन मंदिर से प्रारंभ होकर गोलकोठी जैन बाग रामकृष्ण परमहंस स्कूल से होती हुई जैन बाग के पीछे से निकालकर चिलकाना चुंगी होकर हरि दर्शन मंदिर पर संपन्न होगी। श्री हरि दर्शन मंदिर कृष्णा नगर चिलकाना रोड सनातन धर्म सभा, जिसमें पिछले 23 तारीख से शिव परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधिवत मंत्रोच्चारण द्वारा हवन और यज्ञ के द्वारा परम आदरणीय परमशदे आचार्य नवप्रभात जी और इस मंदिर के अधिष्ठाता श्रीमान राकेश देव वशिष्ठ जी, विद्वान पंडित कवन रमन जी और अनेक विद्वान आचार्यों ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत रूप से प्रथम चरण में प्रायश्चित का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 3 दिन के बाद सहारनपुर के देवबंद में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश जनकल्याण मंच के कार्यकर्ताओं ने देवबंद नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर चौधरी ओमपाल के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और उनको समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके निस्तारण की मांग की। अगर
जरा से भी बरसात पानी पड़ता है उस शहर की कोई सड़क कोई गलियां ऐसी नहीं जिसमें दो दो तीन तीन फुट पानी नहीं भरता। और जो गंदगी है नालों की जो गंदगी है वो लोगों के घरों में जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। एक तो उसकी नालों की निकासी कराई या पानी की चाह जैसे करो हमें नहीं पता कैसा हो गया। एक क्या नाम जितनी शहर की सड़क है जो हमारी सड़कें हैं सब टूटी पड़ी हैं और रेलवे रोड वाली तो बिल्कुल ही टूट गई हुआ। शहरी में सड़क भी मरम्मत कराई जाए उनकी और एक अभी नीले गेट से और एलईडी चौक तक सड़क काटी इन्होंने जो पाइप दापे हैं उसमें गड्ढा है उसमें एक महीना हो गया उसका काम पूरा हुआ उसमें कुछ नहीं उन्होंने किया और इसके लिए आज हमने किया है। एसडीएम साहब को इन्होंने आश्वासन दिया और हम जो साहब से भी मिलेंगे और 10 दिन में अगर इन्होंने ना करा तो फिर हम फिर दोबारा मिलेंगे। सहारनपुर के देवबंद में डॉक्टर राजेश कुमार को समाजवादी पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाने पर उनका नगर विधायक संजय गर्ग पूर्व MLC आशु मलिक व पूर्व विधायक माविया अली ने स्वागत किया जहां पर डॉक्टर राजेश कुमार ने हाईकमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। मैं पार्टी हाईकमान को अपने शीर्ष नेताओं को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाते हुए जन कल्याण जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा और उनको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करूंगा।